Welcome students, good morning to all of you. And today we will discuss the current affair of today, that is 1st of December 2021. Okay, then before starting the video, please don't forget to subscribe my channel. चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का जो करंट अफेयर का सेशन है. सो फर्स्ट क्वेश्चन है जी करंट अफेयर का, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 में कहाँ शुरू हुआ था. इंग्लिश में है जी, वेयर हैज़ द चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2021 स्टार्टेड, कहाँ पे शुरुआत हुई थी इसकी. सो बेसिकली इट इज स्टार्टेड इन द शिलोंग, शिलोंग में इसकी शुरुआत हुई थी. ठीक है, डिस्क्रिप्शन होते हैं यहाँ पे साथ में वीडियोज में, आप देख दिया करो डिस्क्रिप्शन. ठीक है, देन नेक्स्ट आ गया जी क्वेश्चन नंबर सेकेंड इस सीरीज का, संयुक्त अरब अमीरात में अहमद नासिर ए आई रायसी को किस पुलिस संगठन का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है. अहमद नासिर ए एल रसाई इन यूएई हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पुलिस ऑर्गेनाइजेशन. सो राइट ऑप्शन है जी इंटरपोल. इंटरपोल जो 89th इनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, बेसिकली इनकी 89th मीटिंग थी, इसमें इन्होंने इंटरपोल को ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया था. ठीक है, यूएई के लिए. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल सबा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं. रिसेंटली शेख सबा अल खालिद अल सबा हैज़ बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री. सो कुवैत के प्रेसिडेंट बने हैं. ठीक है जी, याद रखना है अपने सभी ने. देन फोर्थ क्वेश्चन है जी आज की सीरीज का करंट अफेयर्स का, आयुष राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयुर्वेदा पर्व 2021 का उद्घाटन किया था. सो इंग्लिश में है जी, नेम द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ फॉर आयुष हु हैज रिसेंटली इनॉग्रेटेड द 3-day प्रोग्राम आयुर्वेदा पर्व 2021. तो इनका नाम है जी मुंजपरा महेंद्र भाई. ठीक है, तो याद रखना है आप सभी ने, 2021 में इस चीज पर्व का उद्घाटन किया गया था. देन क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है जी आज की सीरीज का, वाहनों पर जो ग्रीन टैक्स लगाने के लिए किस राज्य ने मोटर वाहन कराधान यानी कि संशोधन जो अमेंडमेंट होती है विधेयक 2021 पारित किया था. इंग्लिश में यदि विच स्टेट हैज़ पास द मोटर व्हीकल टैक्सेशन अमेंडमेंट बिल 2021 टू लेवी अ ग्रीन कार्ड ऑन द व्हीकल टैक्स. ठीक है, सॉरी ग्रीन टैक्स फॉर द व्हीकल्स. सो राइट ऑप्शन है जी आंध्र प्रदेश. और इन्होंने इसके लिए कुल जो इन्वेस्टमेंट करी थी दैट इज 409.58 करोड़ पर ईयर. ठीक है, ये याद रखना है. देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत और किस देश में महिला शोधकर्ता के लिए वाइजर कार्यक्रम की नियुक्ति की गई या शुरू किया गया. सो इंडिया हैज एंड विच कंट्री हैज स्टार्टेड द वाइजर फॉर द मैन प्रोग्राम रिसर्च. तो राइट ऑप्शन है जी जर्मनी. जर्मनी ने इस चीज़ की शुरुआत की थी. ठीक है, एंड इसमें एक आपने फुल फॉर्म याद कर लेनी है, फुल फॉर्म्स भी पूछी जा सकती हैं. IGST की फुल फॉर्म क्या है. IGST की फुल फॉर्म है जी, STC की फुल फॉर्म है इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर. ओके, लिख लीजिए ये फुल फॉर्म, आपसे पूछी जा सकती है. कोई भी क्वेश्चन देखो जी आपको आ सकते हैं. एंड इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सभा के हासिल संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया प्रस्ताव के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल की नई श्रेणी क्या है. सो इंग्लिश में है जी, व्हाट इज द न्यू कैटेगरी ऑफ द बांग्लादेश एंड नेपाल एज पर द UN जनरल असेंबली रीसेंट रेजोल्यूशन. सो इन्होंने बेसिकली डेवलपिंग कंट्री के लिए जो ये ऑर्गेनाइजेशन तैयार करी थी. सो राइट ऑप्शन इज कौन सी कैटेगरी है, डेवलपिंग कंट्री. ओके, आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलपिंग या पुअर कंट्रीज. ठीक है, तो ये जो ज्योग्राफी का सेशन होगा उसमें हम कंप्लीट करवा देंगे. क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में COVID-19 संस्करण B.1.1529 को चिंता का विषय के रूप में नामित किया है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली
designated COVID-19 variant B.1.1529 of the concern. So basically WHO department है, World Health Organization, जिसने ये जो concern किया था, ठीक है. Then question number 9 है, ब्रिटेन के क्षेत्र में कार्यरत कंपनियों के समूह ने पहली बार एयर बस A340 को किस स्थान पर सुरक्षित उतारा. एट व्हाट विच प्लेस डिड अ ग्रुप ऑफ कंपनीज वर्किंग इन द फील्ड ऑफ टूरिज्म सेफली लैंड द एयरबस A340 फॉर द फर्स्ट टाइम. सो राइट ऑप्शन है जी एंटार्क्टिका, जहाँ पे इसे उतारा गया था, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रेलवे के नाम रामपथ यात्रा एक्सप्रेस को कहाँ से हरी झंडी दिखाई गई. फ्रॉम वेयर हैज द इंडियन रेलवे फ्लैज्ड ऑफ द रामपथ यात्रा एक्सप्रेस. सो राइट ऑप्शन है जी पुणे से इसे हरी झंडी दिखाई गई. देन नेक्स्ट है जी इस वीडियो का आज का लास्ट टॉपिक, जो कि होता है क्वेश्चन. सो क्वेश्चन ऑफ द डे है जी, जनसंख्या की दृष्टि से चीन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है. इन द टर्म ऑफ पॉपुलेशन विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द चाइना एज गिवन बिलो. तो चार ऑप्शन है जी, बीजिंग, शंघाई, ग्वांगजी एंड लास्ट इज शेंजो. तो बेसिकली आपने बताना है इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन है. प्लीज़ कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. इसी तरह से डेली हम करंट अफेयर लेके आते रहेंगे आपके लिए. एंड टिल देन थैंक यू वेरी मच.